हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेकर के काफ़ी सारे हमारे भाइयों को या हमारे बहनों को प्रॉब्लम्स हो रही है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का लास्ट डेट कब है, एनपीसीआई का प्रॉब्लम है और सारी जितनी भी मतलब कि या फिर कोर्स आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जो हमारे भाई बोल रहे हैं कि हमने मतलब कि फ़ाइनल सबमिट कर दिया बट हमारा जो प्रिंट है वो निकल नहीं आ रहा है, उसमें फ़ोटो नहीं सबमिट हो रहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका स्कॉलरशिप को की लास्ट डेट का, तो वो और आपका करेक्शन का, जैसे किसी ने मतलब ये कि अभी कल एक कमेंट आया था एक भाई का, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास मतलब कि हमने क्या किया, हमने फ़ाइनल सबमिट मार दिया, मतलब फ़ाइनल सबमिट मारने से पहले मैंने मतलब कि उसमें कुछ करेक्शन करना था बट वो जब मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ तो वो जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था तो वही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों को लेकर के सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो पर प्लीज़ बने रहें, क्यों ये सब कमेंट्स मैंने पिक इसलिए किया है कि काफ़ी सारे छात्रों का जो है वो कॉमन कमेंट भी हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक अपडेट आ रही है जो कि है स्कॉलरशिप को लेकर के ही, जो कि यहाँ पे आपको बता दूं कि अब यहाँ पे 2 जनवरी तक जो है आपका लास्ट डेट है। तो 2 जनवरी से पहले पहले आप लोग जो है आवेदन कर सकेंगे, यानी कि लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। पूरा मामला क्या है ये आपको मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बताता हूँ। विभाग ने समय सारणी में संशोधन किया, संशोधन ये किया कि जो है 2 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल में दिक्कतों के कारण उठाया कदम, तो कुछ है इस कारण कि काफ़ी सारे छात्रों को मैंने बोला भी था कि आप ट्वीट करिए, मेल करिए, तो जो पोर्टल में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आपका मतलब कि लास्ट डेट इसलिए बढ़ाया गया है। तो उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो आपका लखनऊ यहाँ पे समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन की समय सारणी संशोधित की है। संशोधन समय सारणी के अनुसार अब कक्षा 9 व 10 के छात्राएं आगामी 2 जनवरी तक जो है अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों में देखिए मेन बात यहाँ पे कहा गया है, आपको दिखाता हूँ मेन बात जो है हमारा यहाँ पे है, तो इस बात को प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा, तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों में सुधार करने और फाइनल प्रिंट आउट निकालने का काम ऑनलाइन आवेदन करने के 3 दिन के भीतर करना होगा। ठीक है, जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन किया, आज रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने आवेदन कर लिया, तो इसके भीतर कुछ लोग भूल जाते हैं, यानी कि 9 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, उसके बाद फाइनल प्रिंट मारते हैं। तो आप 3 दिन के भीतर ही फाइनल प्रिंट मार दीजिए और अपने कॉलेज में जो है वो जमा कर दीजिए। छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन की हार्ड कापी वंचित दस्तावेजों के साथ 6 जनवरी तक जमा विद्यालय में जमा करनी होगी। ठीक है, जैसे आपने 2 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है तो 4 दिन का और आपको समय दिया जाता है, उसके बाद आप 6 जनवरी तक जो है हर हाल में अपने कॉलेज में अपने विद्यालय में जा कर के जमा करिए। और 15 जनवरी तक आपका विद्यालय आवेदन ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करेंगे और उसे अग्रसरित यानी फॉरवर्ड करेंगे। विभाग में इस समय सारणी में संशोधन इसलिए किया है क्योंकि छात्रवृत्ति पोर्टल में आए दिन तकनीकी दिक्कतें पेश आ रही है, जैसे किसी का कोर्स नहीं सेलेक्ट हो रहा है, तो किसी का मतलब फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, प्रिंट निकल रहा है तो आपका जो है मतलब फ़ोटो नहीं निकल रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है। तो इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपका जो फाइनल प्रिंट है वो नहीं निकल रहा है, एनपीसीआई का जो भी प्रॉब्लम है वो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बताऊंगा। तो यार चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज़ जो है मैं हमेशा बनाता रहता हूँ और आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर इन वजहों से हो रहे विलम्ब को देखते हुए समय सारणी में संशोधित की गई है। अब आते हैं दूसरी बात, जो आपका मेन बात है, वो मेन बात क्या है, वो है एनपीसीआई को लेकर के। तो यार एनपीसीआई को लेकर के जो काफ़ी सारी छात्र मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लीज़ इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जा कर के आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर जा कर के अपने इससे पहले एनपीसीआई वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दिया गया है। रही बात आपका फ़ोटो प्रिंट का, उसका भी सोल्यूशन यही है। देखो एक ना एक सोल्यूशन मतलब कि जो हमने किया है वो भी आपको करना है, क्योंकि नया सोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे प्रिंट आप जिस टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम नेट कैसा है, इसका बहुत डैम से और आपको मतलब देखना है कि सर्वर चल रहा है कि नहीं। आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि 2 से 3 बजे मतलब कि जो नाइट का मतलब, या फिर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मतलब कि आप देख लीजिए 2, 3, 4 के बीच में आप फाइनल प्रिंट आउट निकालिए, उसके बीच में आपका जो फ़ोटो है वो वहाँ पे 100% आपका फ़ोटो निकल के आएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका भी सोल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, और बात रही करेक्शन को लेकर के, जिनका मतलब एक बार सेलेक्ट हो गया है और वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो भाई आप तब करिए जब आपका मतलब सर्वर अच्छे से चल रहा है। इसका भी सोल्यूशन वही है कि आप मॉर्निंग के टाइम पर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं यार, यही बताना था। कोई भी अगर डिफेक्ट हो, कोई भी मतलब कि आपको
प्रॉब्लम सारी प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें, मैं अपने हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो यार यही बताना था, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्त।